देख रहे हैं पहाड़ समाचार, मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। सीएम हेल्पलाइन साथ ही साथ पोषागार समेत 180 से ज्यादा वेबसाइट बंद हो चुके। साइबर अटैक से सरकारी कामकाज भी ठप रहा। सचिवालय समेत राज्य भर में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ है। बता दें कि स्टेट डेटा सेंटर और सिक्योर इंटरनेट सर्विस भी इसकी चपेट में आया। केंद्रीय एजेंसी और साइबर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। सचिवालय समेत राज्य भर में तमाम प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुए। 180 से ज्यादा वेबसाइट जो कि काम करना बंद कर चुके थे। बता दें कि ये सबसे बड़ा साइबर अटैक। केंद्रीय एजेंसी और साइबर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कहां से वेबसाइट को हैक किया गया है, तमाम चीजों की जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। तो उत्तराखंड में बड़ा साइबर हमला। समस्त एप्लीकेशन जिन जिन डिपार्टमेंट्स की चलती हैं, उन समस्त एप्लीकेशंस को हम लोग रेगुलर स्कैनिंग और क्लीनिंग कराते रहते हैं। तो जब हम उस पर कोई भी ऑपरेशंस रन करते हैं, डीप स्कैनिंग उसकी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई वायरसेस जो छुपे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही डॉर्मेंट मोड में हो और एक्टिव हो गए हैं। तो ये हमें आज से दो दिन पहले, मतलब परसों पता चला, और हमने फिर तुरंत जैसे हमारे कुछ सिस्टम्स में, जिसको हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं अपने डेटा सेंटर के टर्म्स में, उसमें हमें डिटेक्ट हुआ, तो हमने तुरंत अपने पूरे डीसी को डाउन कर दिया, ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपने पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परसों से इसलिए डाउन करा हुआ है। अब हमने हमारे पास लगभग 700 VMs बोलते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन लगभग मशीन्स की हम लोगों ने अब तक सब स्कैनिंग कर ली है। तो एज सच कुछ भी हमारा इन्फेक्टेड या कुछ भी एज सच कुछ मेजर नहीं पाया गया है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है, 180 से ज्यादा वेबसाइट काम करना बंद कर चुके हैं, और नतीजा ये कि सरकारी कामकाज भी इससे प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है उत्तराखंड के लोगों के लिए भी, और जो आईटी के एक्सपर्ट है पूरे देश भर में उनके लिए भी। पूरे राज्य का जो आईटी सिस्टम है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, वो पूरी तरह से दो दिन से तीन दिन से ध्वस्त पड़ा है। और जिस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए करोड़ों रूपये सरकार ने आज तक फूंक डाले, तो उसमें वो एक वायरस ने आकर पूरी वेबसाइट, पूरे ऑनलाइन सिस्टम को धराशायी कर दिया। आईटी डिपार्टमेंट बिल्कुल पूरी तरह से एकदम असहाय बनकर खड़ा हो गया। केंद्रीय एजेंसियों को इन्वॉल्व किया गया है, साइबर क्राइम की जो टीमें हैं उनको बुलाया गया है, और आईटीडीए के मुख्यालय पर इसमें एक बड़ी बैठक चल रही है। जो आईटीडीए के जो निदेशक हैं नितिका खंडेलवाल, वो उनके साथ सब विचार विमर्श कर रही है। खोजबीन में जुटा है पूरा हमला इस बात को तलाशने के लिए कि किस वजह से, कहां से ये वायरस आया। हालांकि आईटीडीए के डायरेक्टर ने इस बात को दावा किया है कि किसी भी वेबसाइट या किसी भी पोर्टल या किसी भी विंडो, जो ऑनलाइन जो काम होते हैं, उनका किसी तरह के डाटा का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन चीजें प्रभावित हुई है। आम कामकाज जो है, जो रूटीन का कामकाज चलता है, आरटीओ में आपको लाइसेंस बनवाना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्री करवानी है, आपको कोषागार में कोई काम है, तो ये चीजें कई दिन से बिल्कुल पूरी तरह से बंद पड़ी है। तो ये इतने बड़े पैमाने पर कामकाज का रुक जाना, ये भी बहुत गंभीर मामला है, और कामकाज अभी भी रुका हुआ है। तो आईटीडीए डायरेक्टर का ये कहना है कि दोपहर बाद हम वो उस ट्रैकिंग सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और कुछ जो वेबसाइट है वो खोल दी जाएंगी। आप सोचिए कि सीएम हेल्पलाइन, जिसका इतना ढिंढोरा पीटा जाता है कि सीएम हेल्पलाइन पर आने से आपकी मदद हो जाती है, आपके समस्याओं का समाधान हो जाता है, वो बंद पड़ी हुई है, और जितने भी ऑनलाइन सिस्टम है सब बंद पड़े हुए हैं। अब खोलने की कवायद चल रही है, आईटी एक्सपर्ट वहां पर बुलाए गए हैं, क्या होता है तो आज शाम तक कुछ क्लियर हो सकेगा। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए हमने अक्सर देखा है अजीत कि पहले जो काम मैनुअली होते थे, अब उनको डिजिटली किया जा रहा है, और एक खतरा भी है साइबर अपराध का, जो कि हम देख रहे हैं कि 180 से ज्यादा वेबसाइट बंद हो चुके हैं। क्या उद्देश्य हो सकता है साइबर अटैक के पीछे का, और सरकार अब इसके बाद कितनी ज्यादा सजग नजर आने वाली है? देखिए मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, इस वक्त तक तमाम दर्शक, लाखों दर्शक हमारे टीवी को देख रहे हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी तक इस बीमारी का डायग्नोज नहीं हुआ है। बिल्कुल, डायरेक्टर आईटी ने साफ तौर पर कहा है कि वायरस कहां से आया, कब आया, किसने भेजा, इसके डायग्नोज करने में ही पूरे सिस्टम लगा हुआ है। सचिवालय जहां हम खड़े हैं, यहां से पूरे राज्य को रन किया जाता है, गवर्नमेंट बैठती है, यहां का फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा है। लोग पिछले जितने भी अधिकारी थे पिछले 3-4 दिन में वो मैनुअल फाइलों पर आ गए हैं, जो ट्रैकिंग सिस्टम था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ है, इसको सुधारने की गुंजाइश कितनी है और कब तक ये पूरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अजीत, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारी आ लेंगे।